सम्राट मेहरभोज गुर्जर थे या राजपूत, इस विवाद ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर से लेकर देश के अन्य इलाकों में भी इसे लेकर एक असहज माहौल पैदा हो रहा है। गौतम बुद्ध नगर के दादरी में 22 सितंबर को बालिका इंटर कॉलेज में सम्राट मेहरभोज की प्रतिमा के अनावरण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ही विवाद तब शुरू हुआ जब शिलापट पर लिखे गुर्जर प्रतिहार सम्राट मेहरभोज पर गुर्जर शब्द पर किसी ने कालिक पोत दी। दादरी से शुरू हुआ विवाद अब गांव-गांव तक पहुंच गया है। दादरी में आयोजित होने वाले गुर्जर स्वाभिमान महापंचायत की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी है, लेकिन गुर्जर महासभा संगठन इस महापंचायत को आयोजित करने पर आमदा है। सोशल मीडिया पर भी महापंचायत का प्रचार किया जा रहा है और तर्क वितर्क किए जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। दादरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सड़कों पर पुलिस बल दूर दूर तक नजर आ रहा है और वाहन चालकों को रोककर चेकिंग की जा रही है। एडिशनल डीसीपी विशाल पांडे का कहना है कि किसी भी तरह की पंचायत की कोई अनुमति नहीं ली गई है। जनपद में धारा 144 लागू है। अगर किसी के भी द्वारा पंचायत करने की कोशिश की जाती है तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सब सामग्री महापंचायत है, किसी भी स्कूल को तैनात किया गया है, क्या परमिशन दी गई थी? नहीं, इसकी परमिशन नहीं दी गई। तो सोशल मीडिया पर यह सर्कुलेट हो रहा था तो कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जो है संपूर्ण कस्बे में जो है पुलिस बल की तैनाती की गई। कितना पुलिस बल को तैनात किया गया? देखिए, इसमें पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जो भी एंट्री पॉइंट्स है, बाहर से आने वाले सभी व्हीकल्स को, सभी व्यक्तियों को चेक किया जा रहा है और कस्बे के अंदर भी पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है और पीएसी वगैरह के साथ फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। जिले में 144 लागू है सर, उसके बावजूद भी आंदोलन की गई है, अगर देखिए उसमें नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो है कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें कि सारा विवाद उस समय शुरू हुआ जब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा सम्राट मेहरभोज की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। मूर्ति को लेकर राजपूत और गुर्जर के संगठनों में विवाद था। मूर्ति के शिलापट से गुर्जर शब्द हटाने को लेकर गुर्जर समुदाय के लोग आक्रोश में आ गए थे और विधायक के घर पर जाकर हंगामा भी किया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए गौतम बुद्ध नगर से गौरव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।